हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप अपने आरआरबी एनटीपीसी का जो स्टेटस है वो कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने मोबाइल के जो गूगल क्रोम ब्राउजर है उसे ओपन कर लेना है। वहां पर ओपन करते ही आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है आरआरबी सिकंदराबाद। क्या टाइप करना है? आरआरबी सिकंदराबाद। आरआरबी सिकंदराबाद टाइप करते ही आपको गूगल का जो रिजल्ट आएगा उसके पहला लिंक, जो ऑफिशियल आपका वेबसाइट का लिंक होगा rrbsikandraabad.nic.in पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा कुछ इस तरीके से, जहां पर आपको जाना है थोड़ा सा नीचे, इसे आपको कैंसिल कर लेना है। जब आप नीचे आएंगे तो यहां पे आपको दिखेगा जो आपका 16/9/2020 का जो है स्टेटस वाला नोटिस, वहाँ पर नहीं क्लिक करना है बल्कि थोड़ा सा नीचे आना है और तब आपको दिखेगा इसका जो ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो स्टेटस संबंधित जो अपडेट है वो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बस क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही इसका कुछ इस तरीके से वेबसाइट खुल जाएगा, जहाँ पर आपको जाना है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट में एक लिंक दिया हुआ है, 18/9/2020 का जो नोटिस है उसमें क्लिक करना है। उसमें क्लिक करते ही आप कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होगा, जहां पर आपको जाना है और आपका जो भी जोन होगा वहां पर सिलेक्ट करना है। यहां पर आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन स्टेटस में। एप्लीकेशन स्टेटस में क्लिक करते ही आपको आपका जो भी जोन होगा उसे सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहां पर एक जोन कोलकाता जोन सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आपको कोलकाता जोन या फिर आपका जो जोन है उसे सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने कोलकाता जोन सिलेक्ट किया, यहाँ पर इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको डालना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि मैं एक जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल के देख रहा हूँ, तो आपको डाल लेना है यहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सारा कुछ भर लेने के बाद आपको क्लिक करना है लॉगिन पे। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपको आपके सामने जो स्टेटस है वो ओपन होता दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका कुछ स्टेटस इस तरीके से दिखाई देगा, जहाँ पे योर एप्लीकेशन इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड, कीप विजिटिंग ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी फॉर फर्दर अपडेट्स, इस टाइप का आपको मैसेज शो हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो स्टेटस है वो सफलतापूर्वक आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और आपको अब आगे प्रोसीजर के तहत जो भी आपका प्रोसेस होगा वो किया जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने स्टेटस चेक कर सकते हैं।